Indian Civilization and Culture by Mahatma Gandhi. Indian Civilization and Culture, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1944, popularly known as Bapu. Mahatma Gandhi, popularly लोकप्रिय थे, नोन जाने जाते थे, एज मीन्स के रूप में, बापू बापू के रूप में जाने जाते थे, और अथवा या द फादर ऑफ द नेशन, द फादर पिता ऑफ द नेशन, राष्ट्र का, राष्ट्र के पिता मोहनदास करमचंद गांधी, बापू या राष्ट्र के पिता के रूप में पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे. पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय. वाज थे मोर, मोर मीन्स अधिक, ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता, लीडर मीन्स नेता, देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से. ही सक्सेसफुली उसने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किए, ट्रूथ, सत्य का, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का, एज के रूप में, द चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में, महात्मा गांधी ने, द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर महात्मा गांधी, ही सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक, यूज्ड मीन्स प्रयोग किए, महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक सत्य और हिंसा का प्रयोग किया, एज मिस के रूप में, चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया, इंगेस्ट मिस के विरुद्ध, के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल जो भारत में शासन करते थे, इन इंडिया, भारत में, उनके खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और हिंसा का प्रयोग किया, एंड और हेल्प्ड इंडिया, हेल्प्ड मदद किया इंडिया को, भारत को, ग्रैंड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में, फ्रॉम 1915 टील मिस तक, फ्रॉम मिस से टील मिस तक, से तक 1915 से 1948 ईस्वी तक, ही कंप्लीटली वह पूर्णतः, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, डोमिनेटेड, राज्य करना, शासन करना, शामिल होना, ही यानी महात्मा गांधी पूरी तरीके से पूर्णतः भारतीय पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल हो गया. ही डाइड मर गए, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, एट द हैंड्स मीन्स हाथ, ऑफ ए फेनाटिक मीन्स धर्मगंत के हाथों, इसको कट्टर बोलते हैं, ऑन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई. हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, ऑटो मीन्स खुद, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, खुद के बारे में लिखना, राइट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, इट इज कॉल्ड इन हिंदी में आत्मकथा कहा जाता है. माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, एक माई एक्सपेरिमेंट, आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट, जिसको प्रयोग बोलते हैं, विद मीन्स के साथ, ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सत्य, सत्य के प्रयोग, एंड एंड मीन्स और, नोमेरस, नोमेरस मीन्स ह्यूज, विशाल, बड़ा, आर्टिकल्स डैट ही रोट यानी उसने लिखे, महात्मा गांधी ने लिखे, फॉर यंग इंडिया, यंग मीन्स नया, युवा भारत, इंडिया, यंग इंडिया मीन्स युवा भारत, नया भारत, न्यू इंडिया, एंड स्पीसेस, भाषण दिए, डैट ही डिलीवर्ड भाषण दिए, डिलीवर्ड द स्पीच मीन्स भाषण देना, ऑन डिफरेंट ऑकेजन्स, भिन्न भिन्न अवसरों पर, अपॉर्चुनिटी,
रिवाइल बताता है दिखाता है, टू शो हिम ही मिस उसे बताता है दिखाता है, ही मिस उसे नॉट ओनली ना केवल, नॉट मिस नहीं, ओनली मिस केवल, एज एज मिस के रूप में, के जैसे, एन ओरिजिनल थिंकर शुद्ध रूप से विचारक, ओरिजिनल, बट लेकिन किंतु परंतु, आल्सो आल्सो मिस भी, एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, चेस्ट मिस सूप सादा प्लेन, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक सूप मुहावरा, इंग्लिश आयुर्वेदिक इंग्लिश, इसका मतलब ये है ही डिलीवर्ड, गांधी जी ने बहुत सारे अवसरों पर भाषण दिए और ये बताए न केवल वह एक विचारक थे बल्कि इंग्लिश के मुहावरेदार, इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी भी उनके पास थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट में, छंद में, सारांश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन भारतीय सिविलाइजेशन में सभ्यता, एंड मिस और कल्चर में संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी बताते हैं, टॉक्स मिस कहना बतलाना, अबाउट मिस के बारे में, के संबंध में, के विषय में, द साउंड साउंड मिस ठोस, फाउंडेशन मिस न्यू ऑफ इंडिया, भारत की ठोस न्यू के बारे में बातचीत करते हैं, बताते हैं, सिविलाइजेशन वी सी सक्सेसफुली, भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन विच है सक्सेसफुली स्टूड विद स्टूड, झेला है, द पैसेस पैसेस मिस गुजरना बदलना, ऑफ टाइम बदलते हुए समय को झेला है, द वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन सभ्यता, सभ्यता विच हैज टेंडेंसी, जिसका झुकाव टू प्रिवेलेंस, पश्चिमी सभ्यता जो हमेशा जिसका झुकाव सुविधाओं की तरफ रहा है, मेटेरियलिटी मेटेरियल मीन्स पदार्थ, भौतिक पदार्थ, भौतिक सुविधाओं की तरफ पश्चिमी सभ्यता के लोग ज्यादा झुकाव होता है, कैन नॉट मैच, मैच नहीं कर सकता द इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, दैट एलिवेट्स, एलिवेट्स मीन्स ऊंचा, बिग बड़ा, एंड मोरल बींग्स नैतिक स्तर, जो भारत की नैतिक स्तर से नहीं मिलाया जा सकता, मैच नहीं कर सकता, दैट्स ऑल। गांधी जी अपनी विचारों को इस पाठ में, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उसमें इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, यंग इंडिया के भारत में, यंग इंडिया नया भारत के बारे में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी इज नोन एज बापू, फादर ऑफ नेशन, ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ही वाज द चीफ क्वेश्चन, दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।